कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के हिंदी पत्रकार भवन में प्रेस वार्ता पर पत्रकारों से नफरत दुर्भावना और प्रतिशोध की राजनीति से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। बिद्दू कांड में निर्दोष खुशी दुबे समेत चार महिलाओं को विधिवत कार्रवाई करके 10 महीने। बिकरू कांड को लेकर उन्होंने कहा कि इस जघन्य कांड के बाद कई एनकाउंटर हुए थे, उसमें अमर दुबे का एनकाउंटर भी हुआ था। पुलिस ने मामले में 3 दिन पहले अमर दुबे से ब्याही गई खुशी दुबे को गिरफ्तार किया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो तत्कालीन SSP दिनेश कुमार ने कहा कि खुशी निर्दोष है और उसको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद भी खुशी दुबे आज 10 महीने से जेल में यातनाएं झेल रही है। उसे खून की उल्टियां हो रही हैं, दो बार बीमार अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। आपको बता दें कि जिन पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने इन महिलाओं के साथ अत्याचार किया उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI से करवाई गई। महिलाओं की रक्षा के लिए महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि 22 जून को कानपुर से शुक्लागंज मार्ग से होते हुए लखनऊ राजभवन तक पैदल यात्रा कर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वह भी महिला है और वह महिलाओं की पीड़ा समझती है। प्रदेश में कानून और संविधान की वह रक्षक है। वह भरोसा है कि वह चारों ब्राह्मण महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, शीघ्र जेल से मुक्त कराएंगे। जी, मेरा नाम है दुर्गेश मणि त्रिपाठी और मैं ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है आपका? जी, जो बिकरू कांड में निर्दोष बालिका खुशी दुबे पकड़ी गई है और जो अन्य ब्राह्मण महिलाएं जेल में बंद करी गई हैं बिकरू कांड में, उनके लिए हम लोग 22 जून को एक न्याय यात्रा राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च कानपुर के गुप्तार घाट से निकाल लें। परशुराम जी का मंदिर है वहाँ पे और उसी यात्रा के संबंध में आज ये प्रेस वार्ता आप लोग के समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है जो वो बता नहीं पा रही या वो दबाव में है। मैं चाहता हूँ इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपनी निगरानी में कराए CBI द्वारा। पुलिस की जांच पे आपको भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है मुझे पुलिस के ऊपर, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर हम पुलिस पे अगर हम भरोसा करें तो आप तो देख ही रहे हो उत्तर प्रदेश की पुलिस का तो खासतौर से मुझे भरोसा नहीं है। कानपुर में कमिश्नरी लागू हो चुकी है तो जिस दौरान पर यहाँ ये घटना हुई थी उस समय SSP हुआ करते थे, तो उसके बाद क्या आपने अपने तथ्यों को रखे हुए खुशी दुबे का कुछ किया? दिक्कत ये है कि अब ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो अब इन लोगों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व रह नहीं गया इन सब चीज़ों में। लेकिन तत्कालीन SSP दिनेश कुमार पी साहब ने ये बोला था कि 164 का बयान लेके खुशी का और 159 CRPC में मैं उसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसका कोई दोष साबित नहीं होता है। फिर अचानक से 2 दिन बाद खुशी को जेल भेज दिया जाता है और तमाम घटनाक्रम हो जाते हैं। वो बच्ची जुवेनाइल है। इस देश में आपने निर्भया कांड सुना होगा, वहाँ भी एक जुवेनाइल लड़का पकड़ा गया था, उसको 1,00,000 रुपया और सिलाई मशीन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें दी गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा इस देश का कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य हैं, यहाँ जातिवादी संगठन बहुत हावी रहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास है कि केवल ब्राह्मण होने के नाते उस बच्ची के साथ ज़्यादा अत्याचार हुआ। आपका आरोप ये है कि SSP साहब जो है उन्हें छोड़ना चाह रहे थे? जी, लेकिन देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।